हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम सिर्फ एक स्क्वायर पीस से बिना कोई कट लगाए ये सुंदर सा कैरी बैग बनाना सीखेंगे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक स्क्वायर फैब्रिक ले लिया है। टोटल लेंथ है 29 इंच और टोटल वेथ है 22 इंच। 22 इंच में से यहाँ पर मैं 4.5 इंच जो है एक मार्क और लगा रही हूँ, और इस मार्क को लगाने के बाद हमें इस फैब्रिक को कटिंग कर लेना है चौड़ाई में से। तो ये हमने कटिंग कर लिया, बाकी के बचे हुए पीस से हम बैग बनाएंगे। तो देखिए हमारा इतना फैब्रिक ये बच गया है। अब हम एक कैरी बैग लेंगे। कैरी बैग मेरे पास इसी साइज़ का है, तो इसको भी हम इस साइड से कटिंग कर लेंगे। एक कट और लगाएंगे यहाँ पर। तो ये बैग जो है हमारा इतना बड़ा है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो रह गया, तो कोई बात नहीं, हमें यही बैग चाहिए था। इसके बाद हम एक लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग भी हम इतनी बड़ी लेंगे कि एक एक इंच जो है साइड में से बैगों के छूट जाए लेंथ में से। अब इस कैरी बैग को और लाइनिंग को हम इस तरीके से रखेंगे और चारों तरफ एक बड़ा बखिया लगा लेंगे। बड़ा बखिया लगाने के बाद अब हम कैरी बैग वाले हिस्से को मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे रखेंगे, इस तरह से उल्टी साइड पे। इस तरीके से रखना है कि दोनों साइड जो है मार्जिन बच जाए। अब हम क्या करेंगे, हाथ की सुई में सिंगल थ्रेड डालेंगे और यहाँ पर रफ स्टिच कर लेंगे, या फिर आप सिलाई मशीन से बड़ा बखिया भी कर सकती हैं, जो आपको इजी हो वो आप कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने एक साइड पे कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी स्टिच लगा लेंगे, और स्टिच लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड से बैग को स्टिच लगा लिया है। अब इस तरीके से बैग को फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर 5 इंच का मार्क लगा लेंगे। 5 इंच के बाद हमें बाकी के हिस्से को स्टिच लगानी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 5 इंच लगा के बाकी के हिस्से को स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड पर हमने स्टिच लगा ली है। इस तरीके से बैग को अब कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर बनाने के लिए हमें इस तरीके से कॉर्नर को रखना है और 1.5 इंच स्टिच से ऊपर और 1.5 नीचे की तरफ मार्क लगा के सीधी स्टिच लगा लेनी है। ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हमें कॉर्नर यूँ रखना है और 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क लगा कर एक मार्क लगा लेना है और स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद देखिए हमारा बैग यहाँ तक तैयार हो गया। ये कॉर्नर मैंने कटिंग नहीं किया है, बल्कि इसे ऊपर की तरफ मोड़कर हाथ की सुई में डबल थ्रेड डालेंगे और यहाँ पे अच्छे से इस पर टाँका लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कॉर्नर को ऊपर की तरफ करके स्टिच लगा ली है। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें इस किनारे को फोल्ड कर लेना है। इस किनारे को फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने स्टिच लगा ली है दोनों साइड पे। अब हम इस कपड़े को इतना फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे यहाँ पर, और दूसरी साइड के कपड़े को भी फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड पे हमने स्टिच लगा ली। अब हम टर्न करते हैं इसे राइट साइड की तरफ और अब हम बैग के हैंडल बनाएंगे। हैंडल बनाने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया था, कटिंग कर दिया था साइड पे, उसको हम इस तरीके से सेंटर से काट लेंगे। अब हमने इसको यूं फोल्ड करना है और स्टिच लगा लेनी है एंड तक। इसी तरीके से इस पर भी कर लेंगे। अब देखिए हम हाथ की सुई में
जो है मैंने ऊन वाला थ्रेड डाल लिया है और इसको हम टर्न कर लेंगे राइट साइड की तरफ। अगर आपके पास सेफ्टी पिन है तो सेफ्टी पिन से भी ये हो जाता है। मेरे पास अभी नहीं है सेफ्टी पिन तो मैं इसी से ही कर रही हूँ। इस तरीके से हमें टर्न कर लेना है इसे राइट साइड की ओर और इसको थिक करने के लिए इस तरीके की मैंने एक और फैब्रिक ले लिया है। करीबन 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लेंथ जितनी की हमारी डोरी की है उतनी ही है, 29 इंच। अब इस तरीके से हम इसको जो ब्लू फैब्रिक है इसको हम रेड फैब्रिक के अंदर पिरो लेंगे ऐसे, ताकि इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। आपके पास अगर रोप है तो उसे भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा इसको डाल लिया रेड वाली डोरी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस डोरी को हम बैग के अंदर डाल लेंगे। बैग के अंदर हमें इसे डाल लेना है और ऐसे हम इसको आपस में स्टिच लगा के जोड़ लेंगे। तो अब मैं सेम कलर का फैब्रिक ले रही हूँ, सॉरी सेम कलर का थ्रेड ले रही हूँ और इन दोनों जो छोड़ हैं इन्हें आपस में हम अच्छे से स्टिच लगा लेंगे। मशीन से लगाना चाहे मशीन से लगा लीजिए, हाथ से करना चाहे हाथ से कर लीजिए। इस तरीके से करना है कि किनारे जो है बाहर की ओर नज़र ना आए। अच्छे से स्टिच लगाने के बाद इस जगह को हम बैक, तो ये हैंडल एक तरफ का तो लग गया है, ठीक इसी तरीके से दूसरी तरफ का हैंडल भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये बैग बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर सेंटर पे अंदर की साइड आप टिच बटन, वेलक्रो या फिर मैग्नेट बटन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये बैग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरीके के DIY बैग अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक घंटी का आइकन है, उसे प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये बिल्कुल ही फ्री है और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।